नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आई एम योर होस्ट आकाश, और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि क्यों कोरोना के वैक्सीन के बाद भी लोग जो हैं पॉजिटिव निकल रहे हैं। दोस्तों, आपने भी ये खबर सुनी होगी, टीवी में देखी होगी, अखबार में पढ़ी होगी कि कई केसेस ऐसे सामने आ रहे हैं जहाँ पे वैक्सीन के लगने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव लोग आ रहे हैं, यानी उनको कोरोना फिर भी जकड़ रहा है जबकि उन्होंने वैक्सीन को लगा दिया है। तो ये बहुत बड़ा इशू है, इसी को लेकर आज की ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसको कैसे रोका जा सकता है, और आप इस चीज़ को लेकर कितने कंसर्न होने चाहिए, ये सभी मुद्दों पे बात होगी आज की इस वीडियो पे। दोस्तों, इसके अलावा ये भी मैं आपको बताऊंगा कि जो वैक्सीन है वो दो फेज में लगती है, यानी आप पहला टीका लगता है फिर आपको दूसरा टीका भी लगता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर आपने सिर्फ पहला ही टीका लगाया है तो उसके क्या फायदे हैं या क्या नुकसान है। तो इन सारी चीज़ों पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ आज की हमारी इस वीडियो पे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए बिना समय बिताए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो COVID-19 की महामारी से बचने के लिए हम सभी को वैक्सीन का इंतज़ार था। सभी का मानना था कि बीमारी को फैलाने से रोकने के लिए टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है। अच्छी खबर यह है कि भारत में वैक्सीन आ गई है और लोगों को लगना शुरू भी हो गई है। देखा जा रहा है कि वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को कोरोना हो रहा है और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, जिस वजह से लोगों को चिंता डबल हो गई है। बढ़ते मामलों को देखते हुए लोग अब असमंजस में पड़ चुके हैं कि वैक्सीन लगवाएं या नहीं। खैर, सरकार ने सभी को कोरोना से बचने का एक बेहतरीन मौका दिया है, इसलिए अपनी जिम्मेदारी समझते हुए वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। सावधानी के साथ ज़रूरी बातों का ध्यान रखते हुए अगर वैक्सीन लगवाएंगे तो कोरोना आपको छू तक भी नहीं पाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर टीकाकरण के बाद भी लोगों के पॉजिटिव होने के आखिर कारण क्या है। तो सबसे बड़ा रीज़न है कि जो उपाय बताए गए हैं उनका पालन नहीं करना। लोगों में कोरोना का डर पहले से ही बहुत कम हो चुका है, लोग पूरी तरह से एहतियात उपायों का पालन नहीं कर रहे हैं। ये स्थिति तब है जब सरकार बार बार लोगों को मास्क पहनने, हाथों को साफ करने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की सलाह दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बताए गए सेफ्टी प्रोटोकॉल की अनदेखी करने से मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। दोस्तों, अगला कारण आता है कि जो टीकाकरण के नियम हैं उनका भी पालन नहीं किया जा रहा। वैक्सीन लगवाने के दौरान डॉक्टर बार बार लोगों को वैक्सीन के नियम बता रहे हैं। डॉक्टर की टीम द्वारा टीकाकरण के पहले और बाद में किए जाने वाले उपाय भी समझिए, लेकिन लोग जो हैं इनकी बातों को मान नहीं रहे, बस अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, जिसका खामियाजा उन्हें कोविड शॉट लेने के बाद भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, अगली जो रीज़न है वो है कि खुराक समय पर ना मिलना। वैक्सीन के बाद भी व्यक्ति के पॉजिटिव निकलने का एक कारण डोज समय पर ना मिलना है। लोगों को फर्स्ट डोज तो समय पर मिल रही है, लेकिन सेकेंड डोज के लिए लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है। ये तो डोज देरी से मिल रही है या फिर मिल ही नहीं रही है। ऐसे में जिसमें पहली डोज लगवा ली है और सेकेंड डोज नहीं ली है, उसमें कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, अब जो सवाल सबके मन में उठेगा वो ये कि क्या ये री इन्फेक्शन है। वैसे टीकाकरण के बाद भी संक्रमित होने की प्रक्रिया को लोग री इन्फेक्शन मान रहे हैं, लेकिन ये सच एक्चुअली नहीं है। यदि टीकाकरण के बाद संक्रमण हो जाता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि टीकाकरण के बाद ये संक्रमण हल्का होता है। आपको बता दें कि टीकाकरण दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए ट्रांसमिशन की संभावना को भी कम कर देता है। दोस्तों, और अब आखिर में मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो ये कि वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं है कि वायरस का अंत हो चुका है। विशेषज्ञों की माने तो वैक्सीनेशन का मतलब वायरस का अंत नहीं है, बल्कि टीकाकरण वायरस के खतरनाक प्रभावों के खिलाफ पूरी तरह से अपने शरीर की रक्षा करना है। संक्रमण तो किसी भी समय हो सकता है, टीकाकरण सिर्फ उन गंभीर मामलों को दूर करने में मदद करेगा। जिन लोगों को टीका लगाया गया है उन्हें वायरस को रोकने के लिए सभी दिशा निर्देशों का पालन करना भी जरूरी है, वरना जरा सी लापरवाही वायरस को अन्य लोगों तक भी पहुंचा सकती है। आपको ये समझना होगा कि अब तक कोई टीका ऐसा नहीं है जो वायरस के खिलाफ 100% की गारंटी देता है। अगर आपको टीका लगाया जाता है उसके बाद भी आपको सुरक्षा नियमों का पालन करना ज़रूरी है। ट्रांसमिशन रेट में कमी लाने के लिए वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, इसलिए सभी को ये लगवाना ज़रूरी है। इससे व्यक्ति खुद भी सुरक्षित रहेगा और दूसरों को भी सुरक्षित रखेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही तमाम वीडियोज़ लाता रहूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।